सगळों पहली तो मंच पर विराजमान तमाम प्रबुद्ध जनानो बहुत बहुत धन्यवाद के लाल छह दिनों पूर्ण रूप संघर्षी लोगेरा अपने सगळे युवाओं ने मार्गदर्शन करियो और एक जीत की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। इनके लिए सगळों पहली तो मंच पर जितना विराजमान में आप सबने निवेदन करो एक बार ताली बजा के रंगो हौसला अफजाई करो। जगह क्षेत्र में नेतृत्व है मजबूत हाथ में हुए बट न्याय ने हलकनो काडर निकालने की अटकल पालोगा के हुए। मैं हर ध्यान केंद्रित करना चाहूं और ये बात मैं पूर्ण त्याग से मैं पहले भी कह आज भी कहूं बिना कोई पुख्ता जानकारी के मैं कोई भी बात मन छू मन को मन ध्यान है कि दर्जनों मोबाइल दर्जनों कैमरा के माध्यम में वीडियो वायरल हुए तो मैं आपने बताना चाहूं कि श्री डूंगरगढ़ी नहीं बीकानेर पुलिस प्रशासन को भी ये बच्ची ने दस त्याग होने में कोई भी योगदान को नहीं है। ये बात को ध्यान रखना केवल और केवल तमिलनाडु भी पुलिस ने पीएमओ के माध्यम रो के इनपुट के आधार पर आप बच्चिया ने दस्तियाब करी है जबकि छह घंटा के बाद में भरने पूरी चीज समझ में आ गई। आज ये बच्ची की जिसकी फोटो देख रहे हैं फोटो पर ध्यान दिया कि आपकी हिंदू बेटी को चेहरा एकदम खिले हुए और जबकि मुस्लिम अध्यापिका जी का ज्यादा भी इनको चेहरा एकदम मुरझाए हुए आपने बच्ची ने बात की खुशी है कि मैं मेरे परिवार मेरे लोगों के बीच में जा रही हूँ लेकिन नहीं बात को कम है कि कठिन कठिन मारो प्लान मारो जियाद को जो एजेंडा हो वो अब एक्सपोज होने को टाइम आ गया है। तो मेरा आप सबने एक निवेदन है कि कुछ भी हुए अब्दुल गफार मिशन जियाद की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि आपने बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ को प्रशासन को कितो योगदान मिले लखा सर टोल ना के प्रकार आपने आदमी कुटी जा अरका लेख दो आज अख नली तोड़ दी ओ ये डूंगरगढ़ प्रशासन को योगदान है इन ध्यान में रख के रहा खरी करेड़ी रह गया कटी वो को पिला नहीं जन बीवो भी जवाब दे से आपने इतना काचा कवड़ा कोनिया के पटके हूं आपने नीचे उठी जे चार पांच घंटा छह घंटा के बाद में बच्ची अपने सामने उसी प्रशासन ने कड़क निर्देश देते हुए कहना चाहवा कोई भी प्रकार के बयानबाजी में मैनिपुलेट ना करते हुए दोनों बच्चियों को बयान दिया जाए। आपकी बच्ची नाबालिग है पास है सहमति अगर घरे जाना चाहे तो घरे भेजी जाए लेकिन जियादीन ने जेल जाना कोई नहीं रोक सके अपराध है भारतीय संविधान संहिता के तहत और सीधो सीधो अपराध है। ब्रेन वॉश करने को अपहरण करने को मारने के इरादे ले जाने को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे ले जाने को ये सारी की सारी कलमा लागनी चाहिए। मैं मंच पर विराजमान तमाम बुद्धिजीवियों ने कहना चाहूँ के ध्यान रखा बच्ची के प्रभाव में आने गए खुशी के माँ अपा भावना में बह गए हरकटी जियादीन के ऊपर कोई धारा कमजोर नहीं करते हो तंत्र ज्यादा बटाई तंत्र की करने में सार कहानी है जय कम करते तो उसके वो धरनो बड़े बैठना पड़े अपने क्यों क्या बीमारी है नी ये बीमारी ने जड़ू मिटानी पड़ सी परसों तरसों सामने में अठाए हूँ जबकि टाइम अठे आप छह बजे अठे धरनो दे रहे हैं और मार्ग ने सीकर फोना है के सीकर की एक बच्ची ने मुस्लिम समाज को लड़को ले गई और बड़ौदा के अंदर मुस्लिम समाज के परिवार में मस्जिद के अंदर छुपा रख दी कि ये ल्या सका के कौन ल्या सका बच्ची 22 साल की बड़ बटजार स्टेटमेंट दे दियो अभी काल मानसरोवर जयपुर के अंदर थेलों का वीडियो देखे उसी के बड़ बच्ची तो नाम ही चेंज कर लियो आपको तो सामने एकदम अंखेंगे नजरांगे सामने आपने दिख रही है कि सरासर हिंदू व्यवस्था ने और आपने धर्म ने सनातन संस्कृति ने तोड़ने को प्रयास कर रही है। यहाँ जनसंख्या कान बटे यहाँ कोई नियंत्रण करे यहाँ कोई व्यवस्था बिगाड़े थारो राज कौन है ये हिंदू कोई आज का कौन है हजारों सैकड़ों साल इन्हें दड़ुकता रहा है इन्हें दड़ुकता रहे कोई भी प्रकार की मानवीय प्रवृत्ति हिंदुओं ने तोड़ कौन सके कभी भी कोई भी हिसाब किताब में अपनी बच्ची भी दिन भी पाक और पवित्र ही आज भी पाक और पवित्र है क्यों क्या भगवान शिव की अनन्य भगत अपनी बेटी कृष्णा सोनी के चेहरे पर जबकि ललक दिख रही है पाई बात को एहसास करा रही है कि परिवार में मिलने की खुशी है लेकिन ज्यादा का तमाम एजेंडा एक्सपोज होना चाहिए। ये वास्ते मेरा तमाम तारा चंद जी रामेश्वर जी
विनोद गिरी जी सगे निवेदन है कि एसपी ने राय जी ने खास कड़क निर्देश देते हैं कि कोई भी प्रकार की धारावा के अंदर बदलाव ना करते हुए कानूनी रूप कड़क कड़क कार्रवाई होती रहनी चाहिए। नहीं तो एक एक मैसेज अगर आज सो मैसेज नहीं दियोगे तो घटना धारा से भड़े हुए ली। और मैं तो हमेशा एक ही हर आयोजन में कहता हूँ और आज भले था लेकिन चाहूँ कि देखो कोई न कोई सो उदाहरण आपने सहित करना है कि केल डी के जानी हर ना था भड़को थे कोई सगड़ा दूध पीता टाबर होके जो भड़को सब आपकी आप सौ बुरो सह सगड़ा ने ध्यान पड़े कोई की नहीं कहूं की कौन भड़के साची ने साची कही से फिर भी मेरी तरफ मैं थाने निवेदन करना चाहूँ की आप जी रैली आप निकाल से पूर्ण रूप शांतिपूर्ण तरीके कोई भी प्रकार को आपने कोई भी दिक्कत खड़ी करनी को नहीं एकदम शांतिपूर्ण तरीके अपनी रैली ने समापन करनी है। हाँ लेकिन जय श्री राम के नारे में कमी नहीं रहनी चाहिए गुंकार गुंकार जय श्री राम और आज भी जय श्री राम को जो नारो है नी और ठे अपनो अयोध्या तक पूग जानो चाहिए रामलला के चोटी तक पूग जानो चाहिए नारे में कोई कमी ना रह गया लेकिन अपने एकदम शांतिपूर्ण तरीके रैली समापन करनी है शांति बातें समझो योग्य टाइप की बोला जय श्री राम धन्यवाद।